जय श्री राधे। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से आप लोगों को मैं हर बार की भांति एक हफ्ते में गुरु प्रेरणा से संडे के दिन 3:30 बजे मैंने एक व्यवस्था चालू करी है। दोस्तों, 1 घंटे की क्लास होती है। इसके अंदर मैं आप लोगों की कुंडलियाँ फ्री में देखना चाहता हूँ। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, फ्री एक अच्छी बात है, सबका नंबर नहीं आ पाता। मेरी फीस 1100 रुपये है और मेरा एक अपना YouTube चैनल है ब्रज फ्यूचर पॉइंट के नाम से। उसमें 20,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं और लगभग 16 लाख मेरे फॉलोवर हैं। आप चैनल पर जाइए, आपको सारी की सारी मेरी वीडियो वहाँ मिलेंगी। अब कुछों का नेचर, हर व्यक्ति का नेचर अलग है। जितने संसार में शक्ल हैं उतनी अकल है। तो मैंने इसी हिसाब से, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है, मैं एक ग्रुप बनाने के मूड में हूँ और उस ग्रुप का एक रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपये होगा। फिर उन सब का नंबर मैं हर बार 10 व्यक्तियों का उनमें से नंबर ले करूँगा। जिसका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो नंबर हो जाएगा, उसके आधार पर हर व्यक्ति के 10 व्यक्तियों का नंबर आ जाया करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया। दूसरा, दोस्तों मेरी पास ज्योतिष की क्लासें भी चलती हैं। मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, मैं लोशो गिड भी पढ़ाता हूँ, मैं वैदिक भी पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको थोड़े सा चैप्टर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊँगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी को बोल सकते हैं, हाँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसी बीच में मैं कुछ कुंडली देखूँगा। सबका नंबर नहीं आ सकता, इतने बड़े उस हमारे ग्रुप हैं, इतने लोग हैं, तो उसमें मैं आपको ये बताना और समझाना चाहता हूँ कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, अपनी अपनी डेटें आप डालते रहो और जिन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, हमारा नंबर है उस पर आप स्क्रिप्ट पर डाल दीजिए, उसे आपका रख लेंगे। और मात्र हमारी फीस होगी रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज 100 रुपये। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसा चल रहा है कार्य चल ही रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मोबाइल नंबर से आप क्या पा सकते हैं, मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर व मोबाइल फोन आज के समय में हमेशा हर व्यक्ति के पास में रहता है। और आप जहाँ भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, आपके साथ वो चलता है। जहाँ आपका मोबाइल नंबर आपकी किस्मत चिपका सकता है, वहीं मोबाइल नंबर आपको गड्ढे में भी पहुँचा सकता है। अब ये सिलेक्शन आपको करना है कि आपका नंबर, मोबाइल नंबर क्या है और आप गड्ढे में जा रहे हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। यह विनाश भी ला सकता है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपका जन्म तिथि किन नंबरों की कमी है या आपकी ज़िंदगी में क्या अधिकता है और आप अपना क्या उद्देश्य पाना चाहते हैं, आप किस क्षेत्र में कामयाबी पाना चाहते हैं, आपको पहले से ही अपने मोबाइल नंबर में प्रभुता को कम ज़्यादा करके ठीक कर, प्रभु ने आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ दी है वो अपने हिसाब से दी है। अब आप अपने हिसाब से अंकों को ठीक करके अपने जीवन को सरल और अच्छा बना सकते हैं। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी है दोस्तों। मेरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की मैं वीडियो आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप मेरे चैनल पर जाएं, 10 वीडियो डली हुई हैं और मेरे कई कई हजार 70-80 हज़ार व्यू आए हुए हैं उसके ऊपर, आप जाएंगे देखेंगे। मोबाइल अंक भविष्यवाणी कला ज्योतिष की तरह, मोबाइल ज्योतिष के भी अपने मूल सिद्धांत हैं। अंक ज्योतिष भी इस तरह एक विज्ञान है। अंकों को जोड़ एक कुंडली में अंक संपूर्ण विवेचना करके फल कथन करता है। एक कला है तो मोबाइल भविष्यवाणी एक ऐसी कला है जिसके द्वारा जीवन में समस्त गुण भेद जानने के समर्थ हो जाना सुनिश्चित है। मोबाइल ज्योतिष में फल कथन हेतु मोबाइल कुंडली बड़ी ही सहायक सिद्ध होती है। मोबाइल से चित्र का, स्वभाव का, व्यक्तित्व का, जीवन स्तर का और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का, बंधन योग का, प्रेम योग का सब कुछ मालूम हो सकता है और सही करके आप सब चीज़ की प्राप्ति भी कर सकते हो। बेटे पंखा बंद कर दिया।
कर सकते हो। मोबाइल अंक में 1 से लेकर 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल अंकों के उनकी विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। 492 मेंटल प्लान, 351 इमोशनल प्लान, 816 प्रैक्टिकल प्लान। जो अंक जिस पंक्ति में आएगा उसके अनुसार ही उसकी विचारधारा तथा संपूर्ण जीवन होगा। वर्तमान समय में हमारे सबसे करीब कौन है? अगर समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं और जो परिस्थितियों का अनुसार नहीं चलता वह सुखी जीवन जी नहीं सकता। जो परिस्थितियों के विपरीत चलता है वह दुखी रहता है। अपने विचारों को यदि हम परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं तो हमारे जीवन सुखदायी हो जाता है। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, तो हम कुछ भी सोच कर नहीं जाते, मोबाइल नंबर लेने के लिए जाते हैं और दुकानदार हमें आसानी से कुछ नंबर दिखाता है, एक नंबर हमें दे देता है। उस नंबर को लेकर हम घर आ जाते हैं और वो जो नंबर होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के द्वारा निर्धारित हमारे जो कर्म होते हैं उसके आधार पर मिलता है। हमारे पूर्व जन्मों में जो कर्म अच्छे हैं वो अच्छे होते हैं, ग्रह अच्छे होते हैं, जो बुरा कर्म है वो बुरे होते हैं। अंक अगर कोई अंक मिस है वह ग्रह हमारा खराब है और यदि कोई अंक है तो वो ग्रह हमारा अच्छा है, वह सही है। अंक को ठीक रखने के लिए हमेशा मोबाइल नंबर लेना चाहिए जिससे जीवन में तरक्की कर सकते हैं, सुखी जीवन जी सकें। मोबाइल नंबर सच में इतनी पावरफुल एनर्जी होती है जो हमारे लाइफ को कंट्रोल कर सकती है। क्या मोबाइल नंबर हमारे काम पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकता है? अगर हम नंबरों की बात करें तो नंबर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बर्थ से लेके शुरू होता है और जन्म से लेके अंतिम समय तक हर जगह नंबर का इस्तेमाल होता है। हमारे नंबर से जुड़ा, हमारा जब जन्म हुआ तो हमें एक डेट मिली, जब डेट ऑफ बर्थ को तो हम नहीं बदल सकते क्योंकि ये हम भगवान द्वारा प्रदान की गई है और डेट हमारे साथ हमेशा रहेगी। हमारी डेट ऑफ बर्थ और आपके सभी अंक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आज के समय में सबके पास मोबाइल है और ये मोबाइल नंबर जो हमारे लिए लक्की और अनलक्की होता है, जो हमारे जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। हमारे को कोई भी अच्छी बुरी खबर मिलती है तो मोबाइल के आधार पर ही मिलती है। कोई बुरी घटना घट गई तो मोबाइल पर इन्फॉर्मेशन आती है, कोई अच्छा हो गया तो भी मोबाइल पर इन्फॉर्मेशन आती है। हमारी पर्सनल लाइफ हो या हमारा कार्य क्षेत्र हो, हमें हर जगह सपोर्ट करता है। इसलिए हमें अपने मोबाइल नंबर को सोच समझकर ज्योतिष की कंसल्टेंसी कर लेनी चाहिए, जिससे क्योंकि मोबाइल ज्योतिष के भी मूल सिद्धांत हैं। मोबाइल भविष्यवाणी कला एक ऐसा गुण भेद जानने के लिए से भी सामर्थ्य हो जाता है, सुनिश्चित है। मोबाइल नंबर से सारा खेल अंकों का होता है और अंकों का संबंध ग्रहों से होता है और उन ग्रहों का संबंध हमारे जीवन से होता है और जीवन से घटने वाली घटना से होता है। हम किसी न्यूमरोलॉजी से सलाह करके अपने मोबाइल नंबर लें और वो नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है तो इससे हमारे जीवन में अनुकूलता बनी रहती है। अब दोस्तों, मैंने मोबाइल का एक आपको पार्ट बताया, इसके आगे का पार्ट मैं अगले सेशन में बताऊँगा। अब मैं कुछ कुंडलियाँ देखता हूँ और आप लोग बताता हूँ कि मेरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जो फीस है वो मेरी 3100 रुपये है, देख के बताऊँ, जिससे आप भले ही कुंडली कम देखो, क्योंकि समय कम होता है। तो आप लोग को मैं कहना और बताना चाहता हूँ कि यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे से एक जो हमने ये व्यवस्था चालू करी है रजिस्ट्रेशन वाली 100 रुपये मात्र, तो उसमें आप ऐड हों, उससे आपको काफ़ी अच्छा और सफलता मिलेगी। ठीक है, शेली महाजन, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/5/2002। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि 2000 के बाद के जन्म के बच्चे बड़े जागरूक हैं अपने जीवन के बारे में। इनका ड्राइवर 6, कंडक्टर 6 और इनकी सेल्फ डेस्टिनी 80%। हम जो बताते हैं न्यूमरोलॉजी से बताते हैं। अगर आप हमारे पास हमारे पेड ग्रुप में 1100 रुपये वाले में आएंगे तो वहाँ हम 5 तरीके से कुंडली देख के बताएंगे आपको। और मैं ये वीडियो आपको डालता हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें और अपने मित्रों को भेजे करें, जिससे लोगों का सबका भला हो।
मैंने दो पहले भी मैं करता था, लेकिन दो बार से अब कंटिन्यू आ रहा हूँ। इनके पास फोर भी नहीं है, थ्री भी नहीं है और एट भी नहीं है। फोर प्लान बिल्कुल इनका नील है। नाइन नंबर नहीं है, डबल फाइव और डबल टू है। ये बहुत ऊंची मानसिकता की लड़की है, बहुत दिमाग तेज है, लेकिन इनमें आलस है, थ्रोट प्लान डेड है, तो ये कोई प्लानिंग बनाने में असमर्थ हो जाती हैं, लेकिन सोचने की शक्ति मजबूत है। इनके पास फाइव भी है, डबल सिक्स भी है, डबल टू भी है। तो मैं ये बता सकता हूँ कुंडली देख के कि इन इस बच्चे की शादी बहुत अच्छी होगी और लव मैरिज होने की संभावना पूर्ण रूप से पाई जाती है। ऐसा बच्चा बहुत ऊंचे क्षेत्र में पहुंचता है और सात नंबर ना होने के कारण ये जिद्दी स्वभाव की भी है, ये जिद्दी भी है। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे एक बार जो हम रजिस्ट्रेशन वाला कार्य कर रहे हैं उसमें आप रजिस्टर्ड हों। अगर कुछ आपको पूछना है, मैं आपके कैरियर के बारे में बता सकता हूँ कि आपकी शादी समय पर हो जाएगी और बहुत अच्छी शादी होगी। एक आप अच्छी प्रॉपर्टी की मालिक भी हो सकती है, ठीक है। अब इसकी मैं रेमेडी बताता हूँ। इनके पास सात नंबर नहीं है, केतु खराब है, केतु की रेमेडी करें। काले कुत्ते को दूध में डाल के रोटी खिलाएं, और मैं इसमें आपको रेमेडी बताता हूँ। हाँ, सात नंबर की सूर्य की उपासना करें, शनि की उपासना करें, उत्तर दिशा में वाटरफॉल की तस्वीर लगाएं, पांच मुखी रुद्राक्ष की माला पहनें और लाल मौली पहने और महीने में उसे बदल दें, उत्तर ही मौली जल प्रभाव कर दें। आप अपने मकान के ऊपर, मंदिर के ऊपर अपनी तरफ से झंडा जरूर लगवाए करें। अगर आपके मकान के ऊपर झंडा होगा तो आपका झंडा हमेशा ऊंचाइयों की तरफ आपको लेता जाएगा। मैं देख रहा हूँ इस टाइम 57 लोग मेरे इस चैनल पे आए हुए हैं। आप 100 पे वाला प्रोसीजर चालू कीजिए, उसमें आपको भी अच्छा लगेगा, सबका नंबर आ जाएगा। और उसके बाद 1100 वाला प्रोसीजर है मेरा, तो ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। अब मैं दूसरा नाम लेता हूँ, मनप्रीत, ड्राइवर फाइव कंडक्टर थ्री, 70% सेल्फ डेस्टिनी। कितने बोली? 70%। अब इनके पास फोर नंबर भी नहीं है, टू नंबर भी नहीं है, सेवन नंबर भी नहीं है, लेकिन इनकी विल पावर बहुत ही मजबूत है। 9551138, ऐसा व्यक्ति लोगों के दिलों में राज करता है, हर व्यक्ति इनकी तारीफ करता है। तथ्यों को समझो और जानो। देखिए, डेट ऑफ बर्थें आ रही हैं और मैं समझ सकता हूँ इच्छा सबकी है, लेकिन हर चीज़ की एक व्यवस्था होती है। दोस्तों, आप 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपका हर हफ्ते नंबर आएगा, आपको एक नंबर इशू कर दिया जाएगा कि आपका नंबर ये है, फिर उस नंबर के आधार पे आपको ये प्रोडक्शन दी जाएगी। मनप्रीत जी, फोर नंबर नहीं है इनके पास और टू नंबर नहीं है। अगर मनप्रीत जी सुन रही हैं तो मेरी बात सुनिए, आप जल्दबाजी का नेचर है आपका, उतावलापन है आपके अंदर, आपको किसी पे विश्वास नहीं है, आलस है आपके पास, कमाई के साधन तो हैं लेकिन सेविंग नहीं हो पाती, खर्चे ज़्यादा हैं, आमदन कम है, जिद्दी स्वभाव की हैं। तो सात नंबर का मैंने अभी बताया था और फिर मैं बताता हूँ सात नंबर का उपाय आपको। हाँ, इस अच्छा इनमें चार नंबर का बताया था, एक का सात का बताया था और एक चार का। सात नंबर केतु होता है और चार नंबर राहु होता है। चार नंबर मिस होने से पति पत्नी के सुख में कमी आती है, घर के सुख में कमी, संपत्ति के सुख में कमी रहती है, सर्दी, त्वचा रोग, शारीरिक कमजोरी, छाती में जलन की संभावना रहती है। या मैं अब ये मिस होने पे, देखिए मैं एक ही कुंडली में एक उपाय बताने की इच्छा रख रहा हूँ
और वो आप नोट करते रहें, आप पे काम आएगा। चार नंबर मिस होने पे साउथ ईस्ट में ग्रीन ट्री लगाएं, येलो कलर लगाएं और पूर्व दिश में ग्रीन प्लांट पौधे लगाएं। देखो दोस्तों, जब मैं ये उपाय बता रहा हूँ, जिसके पास जो भी अंक मिस है उस अंक का उपाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, येलो कलर लगाएं, साउथ ईस्ट में लाल रंग के घोड़े एलिमेंट चीज़ रखें, फेस पाउडर लगाएं, मांस मछली ना खाएं, रुद्राक्ष पहने, तुलसी माला, कंठी माला और माचिस की डिब्बी जेब में रखें। अब मैंने ये आपको बताया, ये हो गया, ये हो गई मनप्रीत जी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करने प्रेस करें। आपका जीवन सफल है तो आप एक गोल्डन चैन भी पहन सकती हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, आप जिद्दी स्वभाव की हैं, अपने नेचर को बदलें। नमस्कार। ये भी है क्या, ये भी है क्या? सुरेंद्र अरोड़ा, देखिए मानव का नेचर है अल्टा पलटी, जल्दी आ जाते हैं जल्दी भाग जाते हैं। जो लोग आते हैं और जाते हैं उनका चंद्रमा खराब होता है, जिनमें स्थिरता नहीं होती, जिनमें स्थिरता नहीं होती वो लंबे नहीं चल पाते। सुरेंद्र अरोड़ा, देखिए लाइन पे बने रहें। सुरेंद्र अरोड़ा का मैं देख रहा हूँ 1967, मैं देख रहा हूँ अब आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे भी कुंडली दिखाने विश्वास करने लगे। सुरेंद्र अरोड़ा 9/1/1967, आप देखिए इनकी जो मैं डेस्टिनी देखता हूँ, ड्राइवर 6 कंडक्टर 9, 40% डेस्टिनी है। सुरेंद्र अरोड़ा जी, आपके तो बच्चे भी हैं, आपकी उम्र भी हो चुकी है, आपका इतना उम्र होने के बावजूद भी आज भी आप कन्फ्यूज रहती हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, क्या ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कन्फ्यूज होने के पीछे कारण है आपका ब्रह्म स्थान खराब है, जल्दबाजी का नेचर है, किसी पे विश्वास नहीं करते और आपका पारिवारिक जीने में जीवन में भी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर आपको इससे ज़्यादा कुंडली दिखवानी है तो आप 100 रुपये कंसल्टेंसी करके उसमें आए। अब मैं आपको बताता हूँ 5 नंबर का उपाय। 5 नंबर मिस होने से कॉन्फिडेंस में कमी, कामयाब होने में परेशानी, कारोबार में नुकसान, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, पेट में गैस या कब्ज रहती है, त्वचा रोग की संभावना होती है। 5 नंबर के उपाय हैं। ब्रह्म स्थान में वास्तु ठीक करें, ब्रह्म स्थान में पिलर ना हो, हरी शर्ट टी शर्ट साड़ी पहने, हरी सब्जी गाय को खिलाएं, हरे रंग का ब्रेसलेट पहने, अर्थ एलिमेंट के लिए अर्थ फैक्टर का सपोर्ट लें, धरती से निकली सब्जी आलू गाय को खिलाएं। ये मैंने बताया सुरेंद्र अरोड़ा जी, आपको ये उपाय करने हैं। एक मैं और बताता हूँ, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे, उनसे मैं 100 रुपये भी नहीं लूँगा। किरण अरोड़ा, इनका ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1, सेल्फ डेस्टिनी 80%, राजयोग ये मंगली हैं। 5 नंबर इनका भी मिस है, लेकिन इनके पास अर्थ एलिमेंट का 2 और 7 है, 6 नंबर नहीं है। किरण अरोड़ा जी, आपके पारिवारिक लाइफ में अभी आपकी 29/9/1997 है, शादी नहीं हो रही, तो 6 नंबर का आप इलाज करें। अगर आप 6 नंबर का इलाज नहीं करेंगे तो आपको पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमें क्या देख रहा हूँ, 4/3/8 आपका मिस है, थॉट प्लान मिस है, आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहती हैं। 6 नंबर की रेमेडी करें, मैं 6 नंबर की रेमेडी बता रहा हूँ, मैं सबको एक एक नंबर की रेमेडी बता रहा हूँ, आप अपना नोट करते जाएं और आपके सबके काम आएगी। देखिए भीड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं, मैंने फिर कह दिया सबका नंबर नहीं आ पाएगा, जितनों का नंबर आएगा उनके बताऊँगा, इंतज़ार करें किसका नंबर आ रहा है।
नॉर्थ नंबर मिस होने से गुस्सा अधिक आता है, पारिवारिक सुख में कमी रहती है, ईर्ष्यालु स्वभाव, झूठी शान दिखाने वाला, दोस्तों से धोखा मिलता है, पेट में गैस, चर्म रोग, छाती में जलन की संभावना रहती है। 6 अंक के उपाय, एक्शन के लिए नॉर्थ मजबूत करें, साउंड एनर्जी वाइंड चेन लगाएं, धातु तत्व को उपाय करें, गोल्डन चेन कलर की चेन वाली घड़ी, खुशबूदार अगरबत्ती, इत्र सफ़ेद भेंट करें, लेदर की वॉच ना पहने बल्कि गोल्डन वॉच पहने, बिना वॉच पहने घर से ना निकलें अगर किसी का 6 नंबर मिस है तो। देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी नहीं बता रहा मैं, आराम से बताने में विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी में बताने में किसी को, फिर भी इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मंजू श्री, क्या लिखा है, मोंजू श्री, नाम भी भगवान ने आपको बहुत बढ़िया दिया है। जब हम ही परेशान हो गए पढ़ने से तो भगवान कैसे नहीं परेशान हुआ होगा। 24/4/1985, ड्राइवर 6, कंडक्टर 6, सेल्फ डेस्टिनी 80%, 6681666। ये भी लिखे करें, अपना मोबाइल भी नंबर लिखें, आप हमारे ग्रुप में चैट में अपना नंबर लिखें, आप जुड़ना चाहते हैं तो भी लिखें, और जैसे चैट पर आजकल उसमें हमारा नंबर लिखा है उसमें आप वो करें। अच्छा मैं क्या देख रहा हूँ मंजूश्री, आप पे 6666 है, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही दिमाग की तेज हैं, 951 भी है, लेकिन आपके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, आपके पारिवारिक जीवन में आपके पति देव आपका ख्याल नहीं रखते, आपकी लव मैरिज भी हो सकती है जो संभावना देख रहा हूँ, 4, 5, 6 आपका समाज में बहुत अच्छा नाम है, यश है जो मैंने महसूस किया, तो मैं इन तथ्यों के आधार पर देख रहा हूँ आपको कि आप 3 नंबर गुरु का उपाय करें और 7 नंबर केतु का उपाय करें। केतु का उपाय मैंने पीछे बता ही दिया, अब मैं आपको 3 नंबर गुरु का उपाय बताने के मूड में हूँ। दोस्तों सीमा से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करता हूँ, और किसी को ना अच्छा लगे तो भगवान मालिक है। 3 नंबर मिस होने से आत्मविश्वास में कमी, सांसारिक विकास में कमी, यश प्रतिष्ठा में कमी रहती है, मानसिक अशांति, नेत्र रोग, रक्तचाप, सिर दर्द की संभावना। 3 अंक के उपाय, हरे रंग का इस्तेमाल करें, सूर्य यंत्र प्रसन्न मुद्रा में पूर्व दिशा में रविवार शुक्ल पक्ष में लगाएं, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहने। हरे जिसके पास 3 नंबर मिस होगा वो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार भी हो सकता है, कमाने के साधन भी कम होंगे। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहने, हरे रंग का पर्दा पूर्व दिशा में लगाए, उनके घर के पूर्व की दीवार पर फाल्ट होगा, विंच एंड लीवर की समस्या, पित्त की थैली, तुलसी माला कंठी पहने, मांस मछली ना खाएं और माचिस की डब्बी जेब में रखें। ये मैंने आपको उपाय बताया 3 नंबर का। दोस्तों मैं सारे उपाय बताता जा रहा हूँ और आप नोट करते जाएं जिससे आपको अच्छा लगे। दोस्तों मैं आप 2 बात और कहता हूँ, दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आती है। मैं जो ये वीडियो देख रहा हूँ फ्री देख रहा हूँ, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, क्या आपकी कुंडली देखी जाती है तो क्या आप अपने मित्रों को दोस्तों को इसे शेयर भी नहीं कर सकते? दोस्तों जब जब किसी भी व्यक्ति ने फ्री की कोई चीज़ लेने का प्रयास किया है, हमेशा ध्यान रखना उसे वफा नहीं मिली। मेरा फ्री पढ़ाने के पीछे है कि हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। किस सहारे? आप मेरे वीडियो चैनल को लाइक करें, वीडियो को देखें, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, आप भी सहयोग करें, पता नहीं मेरा सहयोग किस व्यक्ति के कहाँ काम आ जाए। तो जितने व्यक्ति लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो उसकी फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे डालें,
तो मैं उनकी कुंडली देखने का बिल्कुल प्रयास करूँगा और समय पहले उन्हें नंबर दूंगा। मैं देख रहा हूँ 29 से आगे रीना शर्मा 99 सारांश शर्मा। रीना शर्मा जी 19/7/1900 देखिए 99 होना चाहिए था। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते और उस इतने कठिनाई और संघर्ष से बिना अच्छे दिन जीवन में नहीं आते। मैं आप अपना हाथ उठा के बताएं अगर आपको ये हमारा पसंद आ रहा है। रीना शर्मा 1999, वेरी गुड रीना जी, आपको आवाज़ आ गई है मेरी। तो रीना जी मैं आपको बताना चाह रहा था, रीना शर्मा जी का कोई बात नहीं, आप मेरे से व्यक्तिगत भी बात करें। रीना शर्मा जी आपके पास 6 नंबर नहीं हैं और आपका 99 का जन्म है, आपको शादी के मामले में डिस्टरबेंस आएगा, शादी होएगी और उसमें कहीं ना कहीं डिवोर्स की संभावना भी है, दो शादी के भी योग हैं और आप कंफ्यूज बहुत रहती हैं। अंगूठा दिखा दिखा के बता दो मुझे मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। रीना जी आपने हिम्मत तो करी और लोग भी हिम्मत करो। देखिए 2 नंबर नहीं है, रीना जी बहुत जल्दबाजी करती हैं, इन्हें किसी पर विश्वास नहीं होता, उतावलापन है, इनकी शादी जल्दी से नहीं होगी, शादी में परेशानी आएगी। तो मैंने रीना जी बताया, अगर आपको अच्छा लगे मैं बताना चाहता हूँ मेरा जो पीटीएम नंबर है 9368433275, मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आइए और इसी नंबर पे पीटीएम कीजिए 100 रुपये। आज 100 रुपये की कोई अहमियत नहीं है, 100 रुपये इसलिए होता है कि उस भीड़ से बचना होता है। रीना शर्मा जी किसका जीवन जानना चाहती हैं, 100 रुपये खर्च करिए आप, मैं आपको सारी एक एक बात बताऊंगा। आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, जब आपके जीवन में संघर्ष आएगा जब आप पछताएंगी। आज 100 रुपये हम कहीं जाके बैठते हैं तो 100 रुपये में कॉफ़ी नहीं आती आज, और मैं आपको फ्री में सेवा दे रहा हूँ। नर चाहत होते नहीं हो, हरी चाहत तत्काल और ग्रहों का असर सब पे पड़े, पशु हो पक्षी हो चाहे इंसान। दोस्तों विधि के विधान से डरो, अगर आप दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास को इम्तिहान होने के लिए आती है। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा, अगर ऊंचाइयों पर जाना है तो नकारात्मक सोच के व्यक्तियों से हटना पड़ेगा। उदासियां ना मिटाते तो क्या करते, अरे शोला जश्न ना मनाते तो क्या करते, अंधेरा आया था मांगने रोशनी की भीख, अपना घर ना जलाते तो और क्या करते। हम तो उनमें से हैं दोस्तों, केशर जैन, दीपिका गर्ग। दीपिका गर्ग जी मैं देख रहा हूं आप बहुत रिजर्व नेचर की हैं, मैं ये कहूँगा फिर रिक्वेस्ट करूँगा दीपिका जैन से, दीपिका गर्ग से कम जैसे अभी रीना जी ने हाथ उठा के मुझे इशारा करके बताया कि हाँ ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी बोले तो। दीपिका जी का आप कन्फ्यूज बहुत रहती हैं, जिद्दी स्वभाव की हैं, 66 है, 69 मात्र 30% आपके सेल्फ डेस्टिनी है, आप में ईगो नहीं है, आप मेहनत करने में विश्वास करती हैं और 3 और 4 नंबर ना होने से आपके पास पैसा नहीं रुक पाता, आमदन में भी परेशानी आती है। आशीष शर्मा जी आगे का क्या, मैं पीछे का ही बता दूंगा, पीछे तुम्हारे साथ क्या क्या घटना घटी है, 100 रुपये वाले में रजिस्ट्रेशन करवाओ, समझे मेरी बात को, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। 25/3/1974 2 और 5 7 और 3 10 11 और 9 20 और 7 27 और 4 31 4 5 और 2 7 4। आशीष जी आप पे पैसे की कोई कमी नहीं है, जब भगवान ने तुम्हें सब कुछ देखा है, 7 4 का अंक दे रखा है, अगर उसके बाद आप कंजूसी करते हैं तो भगवान से डर के रहना, मैं एक ही बात कहूँगा। चीना अरोड़ा 10/7/1982 आपकी कुंडली में देख रहा हूँ, देखिए आपकी शादी में परेशानी है, 6 नंबर आपके पास नहीं है, आप एकांत प्रिय नेचर की हैं, आप रिजर्व नेचर की हैं,
छः नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर आप छः नंबर की रेमेडी करेंगे, रीना जी, गुरु जी, एक बार बता दीजिए, क्या मांगलिक है? हाँ मांगलिक है रीना जी, आप मांगलिक हो। आप मेरे चैनल पर जाइए, मैं 1100 रुपये देने के बाद भी 5 दिन में नंबर आता है। मैं उस प्रभु से डरता हूँ और समाज की सेवा करने में विश्वास करता हूँ। नीता झा, आपके मैं देख रहा हूँ 2015, अभी आपकी उम्र ही क्या, अभी से क्या जानना आपको 2015, 7 साल की हो, जाना चाह रही हो अभी से आप। हेमा अग्रवाल, 12/9/2008, आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। पुष्पा देवी, हाँ 3/5/1973, 5/3/8/1/9/9/18/7/25/3/28/8/2/10/1, 5/1। पुष्पा जी, आपके साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका घरेलू मैटर अच्छा नहीं है। रीना जी, आप हर बात को नाप तोड़ कर करती हैं, बहुत कंजूस प्रवृत्ति की हैं। अगर आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा आया सर, 6 नंबर क्या रेमेडी है? 6 नंबर की रेमेडी बता देता हूँ। क्या आप 100 रुपये खचराई कर सकते जी, बताइए मुझे आप। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इच्छा है, आप 100 रुपये, आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, 10 मेरी वीडियो को देखिए, आपका फ़ायदा होगा। उसका लिंक भेजिए कि आपने 10 देखी है, मैं आपका कार्य फ्री कर दूँगा। कुछ तो करने की इच्छा रखो। कृष्णा, 28/2/1996, 90% डेस्टिनी, 1-1, ड्राइवर 1, कंडक्टर 1। दोस्तों, मेरी वीडियो को अपने ग्रुपों में डालो और लोग को देखने का मौका दो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के 1 से लेकर 9 अंकों का महत्व बताऊंगा, और आपको यहीं पे मैं फ्री में सब कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मोबाइल नंबर, आपको शादी नहीं हो रही तो कौन सा नंबर आप ले लें जिससे शादी आपके टाइम से और अच्छी हो जाए। अच्छा दीप शर्मा, अब क्या सवाल है आपका? 7/7/2011, आपको जीवन में धोखा 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 बहुत मिलेगा। दीपा शर्मा, 7/7/2011। वीरेंद्र चंद्र किरण, 59, अरे आप तो बहुत बुजुर्ग हैं चंद्रा जी, 12/2/1959, आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, जिद्दी हैं, बहस करती हैं। 3 नंबर गुरु का होता है, ऐसे लोग अपने को भगवान समझने लगते हैं। 9/9/5/1, ये महसूस करती हैं कि इनकी विल पावर बहुत मजबूत है। 7 और 6 नहीं है, आपका पारिवारिक जीवन एक मधुर अच्छा नहीं बीता। अगर दोनों का कंपेरिजन करना है तो दोनों की कुंडली की आवश्यकता होती है, हमें एक की कुंडली से आइडिया नहीं हो पाता। चंद्रा जी, आप 6 नंबर का उपाय करें, मैं 6 नंबर का बता रहा हूँ, किसी और ने सुना था उपाय, आपके पास वीडियो आ जाएगी, सुन लेना। 6 अंक में ऐसा व्यक्ति को बहुत गुस्सा होता है, शालू होता है, दोस्तों से धोखा मिलता है, स्किन प्रॉब्लम होती है। धातु तप्त का उपयोग करें, गोल्डन कलर की चैन वाली घड़ी, खुशबूदार अगरबत्ती, इत्र सफ़ेद भेंट करें, लेदर की वॉच ना पहने, बल्कि गोल्डन वॉच पहने, बिना वॉच पहने घर से बाहर ना निकले। दीपक आहूजा, 1/11/1981, आपके पास 6 नंबर नहीं है, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। रचना मिश्रा, गवर्नमेंट जॉब, हाँ गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, 7 नंबर आपका। दीपक आहूजा, ठीक है, दीपा शर्मा, रजत वालिया, दीपा शर्मा, देखिए समय का अभाव रहता है दोस्तों, मैं आप लोगों को काफ़ी समय दे रहा हूँ, तो मैं इच्छा रखता हूँ कि आप थोड़ा सा समय का सदुपयोग करें। अब मैं आपसे नेक्स्ट टर्न पे मिलता हूँ, नेक्स्ट टर्न पे आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो मैंने शुरू करी है इसका समापन करूँगा। मैं आपको अपने चैनल पे ही मैं आपको ज्योतिष सिखाऊँगा, मैं वैदिक भी सिखाऊँगा,
अगर आपको अच्छा लगता है और पूरा ज्ञान प्राप्त करना है तो आप मेरे व्यक्तिगत चैनल पे आएं और आप मेरे चैनल को देखें। कल जो मेरा चैनल देख के आएगा नेक्स्ट रन पे, मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा। और वो मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे आए और अपना नंबर लिखे तो मैं उसका नंबर ध्यान रख के उसकी डेट ऑफ बर्थ बना के वो मेरे व्यक्तिगत ग्रुप में दे, मैं उसकी यहाँ पे सब में पहले उसकी देखूँगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा तो क्या आपका फ़र्ज ये नहीं है कि हम गुरु जी के लिए कुछ तो करें? आप मेरे गुरु हैं, आप अपने शिष्य के लिए कुछ कर दें, करो तो सही। शिवानी 19/10/2003 डेट 1 कंडक्टर 7 50%। आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचेंगी लेकिन आपका पारिवारिक गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं है। आप शंकालु प्रवृत्ति की होंगी, कंफ्यूज रहेंगी। आप में ईगो है शिवानी जी, अहम है आपके अंदर। इस चीज़ को परिवर्तन लाएं, अपने अहम को त्यागें। मैं 8 नंबर शिवानी जी आपको उपाय बता रहा हूँ। 8 नंबर के 8 नंबर शनि का होता है। अगर किसी की कुंडली में डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर मिस है, उसके घर में सीलन आएगी। शनि का उपाय करें, शनि मंत्रों का माला का जाप करें, मेहनत करें, तभी फल मिलेगा। पूर्व व उत्तर व्यवस्था ठीक करें, ईशान कोण ठीक करें। साउथ मेज में येलो कलर का फ्लोवर रखें। गरीब अपाहिज हैंडीकैप लोगों की सहायता करें, उन्हें दान दें। आँखों से पीड़ित हों तो दवाई का दान करें। ग्रोथ बढ़ने के लिए जूते चप्पल पहनने दें। नीले रंग का रुमाल रखें, शरीर से पसीने निकले तभी 8 नंबर होगा। धरती से निकले सब्जी आलू गाय को खिलाएं। ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ में कमी होती है, ज्ञान में कमी होती है, सम्मान में कमी रहती है, साइनस नज़ला डिप्रेशन लीवर शुगर जैसी बीमारियों के होने की संभावना रहती है। मुझे पता है इस संसार का हमारा नियम आज से नहीं, जब से सृष्टि का जन्म हुआ है। जब फ्री में कोई चीज़ बांटते हैं तो भीड़ लगी रहती है, लेन टूटती नहीं, और जब देने की बात, त्याग करने की बात, कुछ करने की बात आती है तो कहीं कोई दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने बताया था, एक चोपले पे, एक सेंटर प्लेस पे एक व्यक्ति ने एक तस्वीर लगाई, उस पर लिखा कि इस तस्वीर में जो कमी है वो ठीक कर दो, मैं अगले अच्छे ढंग से बनाऊंगा। लोगों ने उसकी कमी निकाल निकाल के तस्वीर को ही ख़राब कर दिया। अगले दिन उस व्यक्ति ने क्या लिखा एक पोस्टर पे कि जो अच्छे ढंग से तस्वीर बनाना चाहता है वो एक इसकी एक अच्छी तस्वीर बना दो। आप विश्वास करेंगे, एक भी व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं लिखा। और क्या बताऊं, निशा तिवारी जी आप हमारे व्यक्तिगत उस पे आइए, हमारा 9368 हमारे व्हाट्सएप पे आइए। मैं मैं सबका बताने की इच्छा रखता हूँ। मात्र आपसे 100 रुपये की इच्छा रखी है। अगर आप 100 रुपये देंगे तो मैं आपका कार्य बहुत जल्दी से आसानी से कर दूँगा। मेरी फीस 1100 रुपये होती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और इच्छा आपकी है, ठीक है? अब मैं चलने की विदा लेता हूँ आप लोगों से। आपको ये मेरा कार्यक्रम अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हमारे इसको लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। आज की वीडियो को पूरा करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। कल फिर मैं एक नई सोच के साथ मिलूंगा। अगर आप अपने बच्चे का नाम ठीक करवाना चाहते हैं, हर व्यक्ति किसके लिए करता है? अपने संतान के लिए करता है। आप अपना मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं जिससे आपका प्रेम विवाह होने में कोई परेशानी ना है, और आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। आप मेरे से कोई क्लास पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे से कोई नोट्स परचेज करना चाहते हैं, आप मेरे से वास्तु ठीक करवाना चाहते हैं, या डेट ऑफ बर्थ से आप वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं, मैरिज कब होगी, मैरिज कामयाब होगी, मैरिज दूसरी शादी होगी, या आपके लव मैरिज में आप कामयाब होंगे, मैं इस बारे में आपको सारी बातें बताना चाहूँगा। आपके मैरिज से पहले रिलेशन है या नहीं है ये भी मैं आपको बताऊँगा, और आपकी शादी कितनी कामयाब होगी, क्या तलाक होगा,
ये बताऊंगा, क्या आपका पहला बच्चा बेटा है ये भी बताऊंगा, ये सारी की सारी बातें मैं बताऊंगा। और आप व्हाट्सएप नंबर दो, नंबर मैं बोल रहा हूं बार बार, 9368433275। वैसे मेरे ख्याल में हमारे स्टाफ ने उस पर नंबर लिख रखा है, फिर भी किसी को ना मिले तो आप नेक्स्ट टाइम पे कॉन्टैक्ट करना, 9368433275। मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, जिससे आपका नंबर जल्दी आ जाए, अच्छा आ जाए। ऐसे मालूम करने से कोई समस्या हल नहीं होगी, मेरा बता दो, मैं मानता हूँ, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपका सब कुछ बताऊँगा। मेरी कब तक होगी, गवर्नमेंट टीचर हूँ। अरे गवर्नमेंट टीचर क्या, अरे हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की शादी नहीं हुई, तुम तो गवर्नमेंट टीचर हो, हुई तो उन्होंने उसे भी छोड़ दिया, सबको पता है ना, तो ये कोई हमारे हाथ में थोड़ा है। राम राम पंडित जी, अरे गौरव कुमार जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, राम राम, बता देंगे शादी कब होएगी, किसी को 9 नंबर का बता दें, क्या बताऊँ 9 नंबर का रेमेडी बताऊँ, 9 नंबर मंगल का है, मंगल की रेमेडी कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए।